भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दक्षिण गोवा के धार बदोरा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते हुए कहा था कि भारत की सीमाओं से छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। अमित शाह ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सहारे दुनिया को हम बता चुके हैं कि भारत अब आतंकी दुस्साहस को कबूल नहीं करेगा। 2016 में हमारे जवानों ने दुश्मन के घर में घुसकर सेना पर हमले का बदला लिया था। आगे भी ऐसा होगा और दहशतगर्दों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जैसे उन्हें समझ आती है। अमित शाह के इस बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आई है। अमित शाह दे रहे हैं भड़काऊ बयान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान को भ्रामक करार दिया है। पाकिस्तान ने विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारतीय गृह मंत्री द्वारा पाकिस्तान में कथित सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी वाले गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भारत के गृह मंत्री का बयान बीजेपी आरएसएस की खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है जिसका मकसद क्षेत्रीय तनाव पैदा करना है। पाकिस्तान से दुश्मनी वाले ये बयान उन्हें विचारधारा स्तर पर और पॉलिटिकल स्तर पर काफी फायदा पहुंचाते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।